नमस्कार दोस्तों। राजा हो या रंक, कर्मों का हिसाब सभी का होता है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे किए का फल मिलता ही है। इसी लोक में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ लोग धन के बल के आधार पर ये विचार करने लगते हैं कि वे कुछ भी गलत करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन संभव ऐसा नहीं है। इस लोक में भले ही करनी का फल आपको ना मिले, लेकिन जब आपको तीनों लोकों के न्यायाधीश के सामने पेश होंगे तो आपके एक एक कर्म का हिसाब होगा। इसीलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो बच जाएगा। यहाँ यदि बच भी गए तो उस लोक में इंसाफ होकर रहता है, क्योंकि जो तीनों लोकों का दंडाधिकारी है उससे कोई नहीं बच सकता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, जिसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में भी यही कहा गया है, आत्मा शाश्वत है। पुनर्जन्म का यह अंतहीन पहिया घूमता रहता है, बिना रुके ये चक्र चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। गरुड़ पुराण की माने तो मरने के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने में 86,000 योजन की लंबी दूरी तय करनी होती है। इसके बाद ही कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों का हिसाब किताब होने के बाद ही स्वर्ग और नरक का निर्धारण होता है। ये तो हुई पर लोक की बात। अब जान लेते हैं पृथ्वी लोक पर कर्मों के फल देने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक सहित तीनों लोकों के न्यायाधीश एक ही हैं और उनका नाम है शनिदेव। ज्योतिष ग्रंथ में शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामी बताया गया है। तुला राशि इनकी उच्च राशि है, जबकि मंगल की राशि मेष इनकी नीच राशि है। भगवान शिव ने शनिदेव को तीनों लोकों का दंडाधिकारी नियुक्त किया है, यानी जो भी गलत कार्य करेगा उसे दंड देने का काम शनि महाराज करेंगे। यही कारण है कि लोग शनि से भय खाते हैं, लेकिन जो लोग गलत कार्यों से तौबा करते हैं शनि उन्हें सजा नहीं शुभ फल देते हैं। शनिदेव कब दंड देते हैं? कुंडली में शनि को एक प्रमुख ग्रह के तौर पर शामिल किया गया है। कुंडली में शनि की स्थिति को जानकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनि जीवन में कैसे फल देने वाले हैं। शनि की विशेष अवस्थाएं हैं जिनमें शनि अच्छे और बुरे फल प्रदान करते हैं। ये अवस्थाएं शनि की इस प्रकार से हैं। शाहे साथी, शनि की ढैया, शनि की पनौती, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतरदशा, शनि अस्त, शनि उदय, शनि वक्री, शनि मार्गी, शनि गोचर। शनिदेव की इन अवस्थाओं में व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए यदि आपके ऊपर इन सभी अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था चल रही हो तो व्यक्ति को अधिक सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में शनि अधिक प्रभावी होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि शनिदेव कब परेशान नहीं करते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति कैसी भी हो, यदि सद्मार्ग पर व्यक्ति चलता है शनि उस पर मेहरबान ही रहते हैं। शनि जीवन में परेशान ना करे, इसके लिए कुछ बातों को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे सत्य बोले, नियम कानून का पालन करें, जीवन में जिनसे जो भी लिया है उसके लिए सदैव आभार व्यक्त करें, निर्धन गरीब असहाय लोगों की मदद करें, इनका शोषण भूल कर भी ना करें, घायलों की मदद करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, धरती को हरा भरा और स्वच्छ रखें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें,
लोगों के लिए प्याऊ लगवाएं, राहगीरों के लिए धर्मशाला और सराय का निर्माण कराएं, उपजाऊ जमीन को हानि ना पहुंचाएं, समाज के निर्माण में योगदान दें, कल्याणकारी विचारों से लोगों को जागरूक करें, गलत लोगों का संग ना करें, नशा आदि से दूर रहें, अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, धन का प्रयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, पद प्रतिष्ठा का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, मजदूर की मजदूरी समय पर और पूरी दें, स्त्रियों का आदर सम्मान करें। यदि इन बातों पर अमल करते हैं तो शनिदेव कभी बुरा नहीं करते हैं, बल्कि समय आने पर इन कर्मों का बहुत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी शनिदेव के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।